जैसे दोस्तों फिर से आपका स्वागत है हमारे एटोरिया करंट अफेयर सीरीज में जिसमें लोग वार्षिक दो हज़ार चौबीस का रहे जो सितंबर दो हज़ार तेईस से लेकर अगस्त दो हजार चौबीस तक का पूरा का पूरा संस्करण है और इससे पहले हम लोगों ने इसका पांच वीडियो पब्लिश कर लिया है तो अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कीजिए आपको सारे सारे वीडियो मिल जाएंगे और इसी के साथ घटना चक्र के कई सारे आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता पाती है और इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का दे संगठित बी देने वाले क्योंकि उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ तो व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बी में एस सी अफेयर की बहुत अहम भूमिका रहती है और बहुत सारे प्रश्न उससे पूछे जाते हैं तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँगे ताकि उन्हें एग्जाम में सहजता महसूस हो सके आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जहाँ से हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था वहीं से आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से यहाँ से एच इंडिया इंडेक्स दो हज़ार शुरू करते हैं स्रोत है इसका नीति आयोग वेबसाइट क्या है तो यह चौथा संस्करण है और इसका आदर्श वाक्य है भारत की और सतत प्रगति समावेशी विकास इसे नीति आयोग ने संयुक्त तो राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से जारी किया है पहला संस्करण दो में जारी किया गया था इस संस्करण में 16 लक्ष्य और 113 सौ तेरह संकेत लक्ष्य सत्रह शामिल नहीं है शामिल है ठीक है संकेतक शामिल हैं देश के ये कुल एच डी सी स्कोर दो हज़ार तेईस चौबीस के लिए इकहत्तर है दो तो हज़ार बीस इक्कीस में छियासठ था उत्तराखंड और केरल उनासी उनासी अंकों के साथ राज्य के शीर्ष पर है जबकि चंडीगढ़ सतहत्तर अंकों के साथ, के साथ केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है बिहार सत्तावन अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है और झारखंड बावन बासठ अंकों के साथ दूसरे सबसे निचले पायदान पर है केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख पैंसठ अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है दो में सबसे ज़्यादा लाभ पाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और सिक्किम है कुल बत्तीस राज्य केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी श्रेणी मतलब स्कोर पैंसठ से निन्यानवे में है प्रदर्शनी श्रेणी पचास से चौंसठ में चार राज्य बिहार झारखंड नागालैंड और मेघालय है आकांक्षी में जीरो से उनचास के उनचास और अचीवर मतलब सौ श्रेणी सौ अंक प्राप्त करने के अंतर्गत कोई राज्य संग क्षेत्र नहीं है एस डी वन पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य तमिलनाडु स्कोर नाइन्टी है और बिहार स्कोर थर्टी अंतिम स्थान पर है एच डी जी टू पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य केरल स्कोर एटी फोर और बिहार स्कोर ट्वेंटी फोर अंतिम स्थान पर है ठीक है तो फिर से देखते हैं इस रिपोर्ट को एच डी जीडेक्स दो हजार चौबीस तेईस चौबीस संस्करण है और इसका आदर्श वाक्य भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास इसे नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से जारी किया है पहला संस्करण दो में जारी किया गया था इस संस्करण में सोलह लक्ष्य और एक संकेतक शामिल हैं देश के लिए कुल एस डी जी एस दो तेईस चौबीस के लिए इकहत्तर है और वहीं दो हज़ार बीस इक्कीस में छियासठ था उत्तराखंड और केरल उनासी उनासी अंकों के साथ राज्य के शीर्ष पर है जबकि चंडीगढ़ सतहत्तर अंकों के साथ केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है बिहार सत्तावन अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है और झारखंड बासठ अंकों के साथ दूसरे सबसे निचले पायदान पर है केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख पैसठ अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है दो हज़ार अठारह में सबसे ज़्यादा लाभ पाने वाले राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर और सिक्किम है कुल बत्तीस राज्य केंद्रशासित प्रदेश अग्रणी श्रेणी स्कोर पैंसठ से निन्यानवे में है प्रदर्शनी श्रेणी जिसमें जिसमें चौवन से पचास से चौवन अंक होते हैं में चार राज्य हैं बिहार झारखंड नागालैंड और मेघालय आकांक्षी श्रेणी जीरो से उनचास और अचीवर सौ सौ अंक प्राप्त करने वाले श्रेणी के अंतर्गत कोई राज्य संघ राज्य क्षेत्र नहीं है एस डी जी वन पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य तमिलनाडु स्कोर नाइन्टी टू और बिहार स्कोर थर्टी नाइन अंतिम स्थान पर था वहीं एस डी जू में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में केरल एटीफोर और बिहार स्कोर ट्वेंटी के साथ अंतिम पायदान पर था अगला न्यूज है स्रोत है इसका द हिंदू मार्च 2022 में श्रीलंका में आयोजित पांचवेंटेक शिखर सम्मेलन के दौरान बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिन्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अपनाया गया यह चार्टर बिम्स्टेक को राज्य या संगठनों से पर्यवेक्षक या यहाँ तक कि सदस्य बनाने के अनुरोधों को स्वीकार करने की अनुमति देता है बिम्स्टेक के बारे में देख लेते एक नज़र में तो यह संगठन इस संगठन में बंगाल की खाड़ी के तटीय और सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित सात सदस्य देश शामिल है अर्थात भा, भारत बांग्लादेश भूटान नेपाल श्रीलंका म्यांमार और थाईलैंड दिसंबर उन्नीस में म्यांमार और दो में भूटान और नेपाल ने नेपाल के शामिल होने के बाद इसे शुरू में बिस्ट ईसी कहा जाता था जिसे कहे जाने लगा बैंकॉक घोषणा के छ जून उन्नीस सौ सन्तानवे को अस्तित्व में आया अनुमान अनुमानी एक दशमलव आठ बिलियन मतलब वैश्विक जनसंख्या का बाईस परसेंट और जीडीपी का चार पॉइंट पांच ट्रिलियन वैश्विक जीडीपी का चार पॉइंट पाँच परसेंट है ठीक है बिम्सटेक सचिवालय ढाका दो में स्थापित किया गया था और महासचिव इंद्रमणि पांडे हैं इसके फिर से देखते हैं बिमस्टेक के बारे में तो मार्च दो में श्रीलंका में आयोजित पाँचवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसका अप, इसे अपनाया गया यह चार्टर बिम्स्टेक को राज्यों या संगठनों से पर्यवेक्षक या यहाँ तक कि सदस्य बनाने के अनुरोधों को अस्वीकार करने की अनुमति देता है बिम्स्टेक के बारे में क्या है तो इस संगठन में बंगाल की खाड़ी के तटीय और सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित सात सदस्य देश शामिल हैं अर्थात भारत बांग्लादेश भूटान नेपाल श्रीलंका म्यांमार और थाईलैंड दिसंबर उन्नीस में म्यांमार और द्वाचानवे दो में भूटान और नेपाल को शामिल कर होने के बाद इससे शुरू में बिम्स्टेक ईसी कहे जाते थे जिसे बिम्स्टेक कहे जाने लगा बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 6 जून उन्नीस सौ अस्तित्व में आया अनुमानित जनसंख्या एक दशमलव आठ बिलियन वैश्विक जनसंख्या का बाईस परसेंट और जीडीपी डी चार दशमलव पाँच ट्रिलियन मतलब वैश्विक जनसंख्या का चार पॉइंट पाँच परसेंट विशेष सचिवालय ढाका दो चौदह में स्थापित किया गया था और महासचिव इंद्रमणि पांडे हैं इसराइल हमास युद्ध हमास ने सात अक्टूबर दो को ऑपरेशन तूफान अल अलअका के तहत इसराइल पर हमला किया इसराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वाड के तहत जवाबी हमला किया भारत ने इसराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया हमास या इस इस्लामिक प्रतिरोध अनुरोध आंदोलन की स्थापना उन्नीस में कार्यकर्ता अहमद यासिन द्वारा गाजा में किया गया था रफा क्रॉसिंग क्या है तो गाजा के दक्षिण भाग बहुमत सागरी तट पर इसराइल और मिस्र के बीच स्थित मिस्र के सिनाई प्रद्वीप की सीमा पर है अल अस्का मस्जिद क्या है तो पहाड़ी पर यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित है और मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम का तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है कुछ संबंधित तथ्य समय रेखा क्या है तो उन्नीस में इसराइल स्वतंत्र हुआ और इस उसने कई युद्ध लड़े उन्नीस में अरब इसराइल युद्ध उन्नीस में सुयज संकट और उन्नीस में छः दिवसीय युद्ध इसराइल ने पश्चिमी तट पट्टी पूर्वी यरूशलम गोलान हाइट्स सीरिया से और सिनाई प्रायद्वीप मिस्र से नियंत्रण कर लिया योम कुपर युद्ध उन्नीस इसे रमजान युद्ध और अक्टूबर युद्ध के रूप में भी जाना जाता है मिस्र और सीरिया ने सिनाई प्रद्वीप और गोलान हाइट्स को वापस लेने का प्रयास किया कैंप डेविड समझौता उन्नीस सौ इसराइल और मिस्र के बीच शांति संधि इसराइल ने सिनाई प्रद्वीप मिस्र को वापस कर दिया ओल्सो समझौता उन्नीस दो राज्य समाधान का कार्यान्वयन भारत दो राज्य समाधान के पक्ष में है 26 अक्टूबर उन्नीस को इसराइल और जॉर्डन में शांति संधि पर हस्ताक्षर किए इंतफादा उन्नीस से 1990 के तहत इंतफादा और 2000 से 2005 का दूसरा इंतफादा इंतिफादा का अर्थ है इसराइल के खिलाफ तीव्र फिलिस्तीनी विरोध की अवधि 6 दिसंबर 2017 को यूएसए ने अनौपचारिक रूप से यरूशलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी अब्राहम समझौता 2020 यह इसराइल यूएई और बहरीन के बीच शांति समझौता है फिर से देख लेते हैं इसराइल हमास युद्ध के बारे में स्रोत इसका है अल जजीरा हमास ने सात अक्टूबर दो को ऑपरेशन तूफान अल अलअ के तहत इसराइल पर हमला किया इसराइल ने ऑपरेशन आयरन शॉर्ड्स के तहत जवाबी हमला किया भारत ने इसराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया हमास या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना उन्नीस में कार्यकर्ता अहमद यासिन द्वारा गाजा में की गई थी रफा क्रॉसिंग गाजा के दक्षिणी भाग भूमत सागर तट पर इसराइल और मिस्र के बीच स्थित मिस्र के सिनाई प्रद्वीप की सीमा पर अल अस्का मस्जिद पहाड़ी या यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित है और मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है कुछ संबंधित तथ्य में देख लेते हैं तो उन्नीस में इसराइल स्वतंत्र हुआ और उसके बाद उसने कई युद्ध लड़े उन्नीस में अरब इसराइल युद्ध उन्नीस में स्वेज संकट उन्नीस में छः दिवसीय युद्ध इसराइल ने पश्चिमी तट गाजा पट्टी पूर्वी यरूशलम गोलन हाइट्स सीरिया से और सिनाई प्रायद्वीप मिस्र से पर नियंत्रण कर लिया योम कूपर युद्ध उन्नीस इसे रमजान युद्ध और अक्टूबर युद्ध के रूप में भी जाना जाता है मिस्र और सीरिया ने सिनाई प्रायद्वीप और गोलन हाइट्स को वापस लाने का प्रयास किया कैप डेविड समझौता 1978 इजराइल और मिस्र के बीच शांति संधि इसराइल ने सीनाई मिस्र को वापस कर लिया ओसलो समझौता उन्नीस दो राज्य समाधान का कार्यान्वयन भारत दो राज्य समाधान के पक्ष में है 26 अक्टूबर उन्नीस को इसराइल और जॉर्डन ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए इंतफादा उन्नीस से 1990 तक पहला इंतफादा और 1990 2000 से 2005 तक दूसरा इंतफादा इंतफादा का अर्थ है इसराइल के खिलाफ तीव्र फिलिस्तीन विरोध की अवधि 6 दिसंबर 2017 को यूएसए ने औपचारिक रूप से यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी अब्राहम अब समझौता 2020 यह इसराइल यूएई और बहरीन के बीच शांति समझौता है अगला है राम मंदिर स्रोत है अलजीरा और इंडियन एक्सप्रेस टाइम्स के माध्यम से पृष्ठभूमि टाइमलाइन के माध्यम से पृष्ठभूमि क्या है तो पंद्रह में बाबर के अधीन मुगल कमांडर मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया अठारह में क्या है तो ब्रिटिशों ने इस स्थल को दो अलग अलग, अलग खंडों में विभाजित किया मुसलमानों को अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई जबकि हिंदुओं को बाहर प्रांगण में पूजा करने की अनुमति दी गई अठारह से अठारह सौ अलेक्जेंडर कनिंगम ने सर्वप्रथम अयोध्या का सर्वेक्षण किया उन्नीस सरकार ने इसे विवादित संपत्ति घोषित किया उन्नीस से उन्नीस सौ लाल के नेतृत्व में सर्वप्रथम खुदाई की गई 6 दिसंबर उन्नीस भीड़ द्वारा मस्जिद को गिरा दिया गया और हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के 16 दिसंबर उन्नीस केंद्र सरकार ने घटना की जांच के लिए लिब लिब्राहन आयोग का गठन किया 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विवादित स्थल को हिंदू और मुसलमानों के बीच साझा करने का फैसला सुनाया नौ नवंबर दो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हिंदू मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए जमीन एक ट्रस्ट को सौंपी जाएगी और अयोध्या में ही ज़मीन का अगला अलग टुकड़ा मुस्लिम समुदायों को भी दिया जाएगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठन किया गया जिसके सचिव चंपत राय और अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास बनाए गए नोट में क्या है तो पांच जजों की बेंच द्वारा फैसला और उनके सदस्य निम्नलिखित हैं सी जे आई रंजन गोगोई जस्टिस एस ए बोर्डवे डी वाई चंद्रचूर अशोक भूषण और एस अब्दुल नाज़ीर पाँच अगस्त 2020 को क्या हुआ था प्रधानमंत्री ने मन, ने मंदिर की आधारशिला रखी बाईस जनवरी 2024 को मंदिर प्रतिष्ठान श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषताएं क्या क्या, क्या हैं तो आइए एक नज़र में देख लेते हैं तो मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाई गई है वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा ने अपने दो बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया लार्सन एंड ट्रैबो कंपनी द्वारा निर्मित टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड टी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है पाँच मंडप है नृत्य मंडप रंग मंडप सभा मंडप प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप मंदिर तीन मंजिला है और प्रत्येक मंजिल बीस फीट ऊँची है इसे कुल तीन सौ बानवे खम्बे पर खम्बे और चौ चौवालीस दरवाजे हैं लंबाई तीन सौ अस्सी फीट पूर्व से पश्चिम चौड़ाई दो सौ पचास फीट उत्तर और ऊंचाई एक सौ इकसठ फीट है इसे बनाने में लोहा और इस्पात का उपयोग नहीं किया गया है मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम के पाँच का पाँच वर्ष का बालक रूप है जिसे बालराम नाम दिया गया है परिसर के चारों कोनों पर सूर्य देव देवी भगवती भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित चार मंदिर हैं उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा की मंदिर और दक्षिणी भुजा में हनुमान का मंदिर है अन्य प्रस्तावित मंदिर महर्षि वाल्मीकि महर्षि वशिष्ठ महर्षि अगस्त्य निषाद राजमाता शबरी जड़ाई और देवी अहिल्या को समर्पित है नोट में क्या है तो भगवान राम की तीन मूर्तियों का निर्माण अरुण योगीराज सत्यनारायण पांडे और गणेश भट्ट ने किया अरुण योगीराज द्वारा निर्मित इक्यावन इंच की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया ठीक है फिर से पढ़ते हैं क्या क्या है राम मंदिर के बारे में स्रोत इसका है अल जजीरा और इंडियन एक्सप्रेस टाइमलाइन के माध्यम से पृष्ठभूमि देखें तो पंद्रह सौ अट्ठाईस बाबर के अधीन मुगल कमांडर मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया अठारह में गया तो ब्रिटिशों ने इस स्थल को दो अलग अलग, अलग खंडों में विभाजित किया मुसलमानों को अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई जबकि हिंदुओं को बाहर प्रांगण में पूजा करने की अनुमति दी गई अठारह से अठारह अलेक्जेंडर का निगम ने सर्वप्रथम अयोध्या का सर्वेक्षण किया उन्नीस में किया तो सरकार ने इसे विवादित संपत्ति घोषित किया 1978 से 1976 से सतहत्तर में बीबी लाल के नेतृत्व में सर्वप्रथम खुदाई की गई छः दिसंबर उन्नीस सौ बानवे को भीड़ द्वारा मस्जिद को गिरा दिया गया और हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के सोलह दिसंबर उन्नीस सौ बानवे को केंद्र सरकार ने घटना की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया दो हज़ार दस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विवादित स्थल को हिंदू और मुसलमानों के बीच साझा करने का फैसला सुनाया नौ नवंबर दो हज़ार उन्नीस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हिंदू मंदिर का निर्माण की देख रेख के लिए जमीन एक ट्रस्ट को सौंपी जाएगी और अयोध्या में ही जमीन का अलग टुकड़ा मुस्लिम समुदाय को दिया जाएगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठन किया गया जिसके सचिव चंपक राय और अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास बनाए गए नोट में क्या है तो पांच जजों की बेंच द्वारा फैसला और उनके सदस्य निम्नलिखित हैं सी रंजन गोगोई जस्टिस एस ए बोड़वे बी डी अशोक भूषण और एस अब्दुल्ला नाजिर पाँच अगस्त दो हजार बीस को प्रधानमंत्री ने मंदिर की आधारशिला रखी बाईस जनवरी दो को मंदिर प्रतिष्ठान राम जन्मभूमि की विशेषताएं क्या क्या हैं तो मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाई गई है वास्तुकार चंद्रकांत बी सोपा सोमपुरा ने अपने दो बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया लॉन्च एंड ट्राइवो कंपनी द्वारा निर्मित टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड टी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी पाँच मंडप है नृत्य मंडप रंग मंडप सभा मंडप प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप मंदिर तीन मंजिला है और प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है इसमें कुल तीन सौ बानवे खम्बे और चौवालीस दरवाजे हैं लंबाई तीन सौ अस्सी फीट पूरा से पश्चिम और चौड़ाई दो सौ पचास फीट ऊंचाई एक सौ इकसठ फिट है इसे बनाने में लोहा और इस्पात का उपयोग नहीं किया गया है मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम के पाँच वर्ष की बाल रूप है जिसे बालक राम नाम दिया गया है परिसर के चारों कोनों पर सूर्यदेव देवी भगवती भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित चार मंदिर हैं उत्तरी भूजा में माँ अन्नपूर्णा मंदिर और दक्षिणी भूजा में हनुमान का मंदिर है अन्य प्रस्तावित मंदिर महर्षि वाल्मीकि महर्षि वशिष्ठ महर्षि अगस्त निषादराज माता शबरी जड़ायु और देवी अहिल्या को समर्पित है नोट में क्या है तो भगवान राम की तीन मूर्तियों का निर्माण अरुण योगीराज सत्यनारायण पांडे और गणेश भट्ट ने किया अरुण योगीराज की निर्मित इक्यावन इंच की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया अगला है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर तो इनके बारे में देख लेते हैं सौवे जन्म वर्ष के पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की इनके बारे में देखते तो इनका जन्म चौबीस जनवरी उन्नीस को पितौंझिया गांव अब कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में हुआ और 17 फरवरी उन्नीस को उनका निधन हो गया जन नायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने उन्नीस में ताजपुर विधान सभा सीट से जीत हासिल की दो बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया बाईस दिसंबर 1970 से 2 जून उन्नीस तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से और 24 जून उन्नीस सौ से 21 अप्रैल उन्नीस तक जनता पार्टी से 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने 5 मार्च उन्नीस से 28 जनवरी उन्नीस तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेज़ी को अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया इन्होंने 1970 में बिहार के पूर्ण शराबबंदी लागू किया कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने उन्नीस में 26 परसेंट आरक्षण प्रदान किए जिसमें ओबीसी को 12 परसेंट हिस्सा मिला ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 8 परसेंट महिलाओं को 3 परसेंट और उच्च जाति के गरीबों को 3 परसेंट हिस्सा मिला भारत रत्न के बारे में तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है स्थापित दो जनवरी उन्नीस को किसी विशेष वर्ग के वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम तीन तक सीमित है लेकिन इस वर्ष पांच व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया इनमें शामिल है कौन कौन था पहला है कर्पूरी ठाकुर दूसरा है लाल कृष्ण अडवाणी चौथा है तीसरा है चौधरी चरण सिंह पाँचवा है पी नरसिम्हा राव और छ और पाँचवाँ है एस एस स्वामीनाथन पुरस्कार का कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है मानव प्रयास में किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है

गांव अबकरपुरी ग्राम समस्तीपुर में हुआ और 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया जन नायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने उन्नीस में ताजीपुर विधानसभा सीट से सीट से जीत हासिल की दो बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया बाईस दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से और 24 जून 1977 से इक्कीस अप्रैल उन्नीस अच्छा तक जनता पार्टी से उन्नीस अच्छा में थोड़े समय के लिए वे सांसद बने पाँच मार्च उन्नीस से 28 जनवरी उन्नीस तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया इन्होंने 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया कर्परी ठाकुर फार्मूला ने 1978 में 26 परसेंट आरक्षण प्रदान किया जिसमें ओ को बारह हिस्सा ओ के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े बार को आठ महिलाओं के लिए तीन और उच्च जाति के गरीबों के लिए तीन हिस्सा भारत रत्न के बारे में देख लेते हैं तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्... नागरिक सम्मान है स्थापित 2 जून उन्नीस को किसी विशेष वर्ग में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम तीन तक सीमित है लेकिन इस वर्ष पांच व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया इसमें शामिल है कौन सा तो पहला है कर्पूरी ठाकुर दूसरा लाल कृष्ण अडवाणी तीसरा चौधरी चरण सिंह चौथा है पी नरसिम्हा राव और पाँचवा है एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा का साधन सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है उन्नीस सौ में पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपाल आचार्य सर्वपली राधाकृष्णन और सी रमन थे कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले ऊंचासे व्यक्ति हैं अगला है भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी श्री लालकृष्ण आडवाणी को पचासवें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई उनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था वर्ष 1942 में आरएसएस से जुड़े और वर्ष उन्नीस में स्थापित भारतीय भाजपा के संस्थापक सदस्य में एक थे वे नेता उपनाम से नियमित सिनेमा कॉलम भी लिखते थे आपातकाल के दौरान उन्हें बेंगलोर में गिरफ्तार कर दिया गया उन्हें उन्नीस में द पीपुल ब्रिटेड पुरस्कार लिखी पुस्तक लिखी इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है इन्होंने राम मंदिर के लिए समर्थन पाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की यह या यात्रा 25 दिसंबर सितम्बर उन्नीस को शुरू हुई यात्रा के दौरान वे 22 अक्टूबर 1990 को रात में रात को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए 6 दिसंबर उन्नीस को रथ यात्रा ने अयोध्या में प्रवेश किया जिसके बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ उनके नेतृत्व में कुछ अन्य यात्राएँ जनादेश यात्रा भारत सुरक्षा यात्रा स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा राजनीतिक कैरियर के बारे में देखते हैं तो उन्नीस से उन्नीस तक दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष चुने गए अप्रैल उन्नीस में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए उन्नीस में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष और उन्नीस में भाजपा के अध्यक्ष बने 1977 में भारतीय जन भारतीय पार्टी सत्ता में आई और वह केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने और राज्यसभा के सदस्य के नेता भी चुने गए उन्नीस में पहली बार नई दिल्ली सीट से नौवीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए वे सात बार लोकसभा के एक बार नई दिल्ली से और छः बार गांधीनगर सीट से और चार बार राज्यसभा के सदस्य बने 2002 से 2004 तक भारत के सातवें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और उन्नीस से 2004 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया वह दो में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे आइए फिर से देख लेते हैं हम भारत रत्न लाल कृष्ण अडवाणी के बारे में तो श्री लाल कृष्ण अडवाणी ने पचासवें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई उनका जन्म 8 नवंबर उन्नीस को कराची में हुआ था वर्ष 1942 में आरएसएस से जुड़े और वर्ष उन्नीस में स्थापित भारत भाजपा के संस्थापक सदस्य के में से एक थे वे नेता उपनाम से एक नियमित सिनेमा कॉलम भी लिखते थे आपातकाल के दौरान उन्हें बेंगलोर में गिरफ्तार किया गया उन्हें उन्नीस में द पीपुल ब्रिटेड पुरस्कार पुस्तक लिखी इनकी आत्मकथा किताब का नाम है माई कंट्री माई लाइफ है इन्होंने राम मंदिर के लिए समर्थन पाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की यह या यात्रा 25 सितंबर 1990 को शुरू हुई थी इस यात्रा के दौरान वे 22 अक्टूबर 1990 की रात को समस्तीपुर से गिरफ्तार किए गए 6 दिसंबर 1992 को रथ यात्रा ने अयोध्या में प्रवेश की जिसके बाद बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ उनके नेतृत्व में कुछ अन्य यात्राएं क्या थी तो जनादेश यात्रा भारत सुरक्षा यात्रा स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा राजनीतिक करियर उनका कैसा रहा तो उन्नीस से उन्नीस तक दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष चुने गए अप्रैल उन्नीस में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए उन्नीस में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष और उन्नीस में भाजपा के अध्यक्ष होने उन्नीस में भारतीय जन भारतीय पार्टी सत्ता में आई और वह केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री बने और राज्यसभा के सदस्य सदन के नेता भी चुने गए उन्नीस में पहली बार नई दिल्ली सीट से नौवीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए वे सात बार लोकसभा के एक बार नई दिल्ली से और छः बार गांधीनगर सीट से और चार बार राज्यसभा के सदस्य बने दो हज़ार दो से दो हज़ार चार तक भारत के सातवें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और उन्नीस सौ अंठानवे से दो हज़ार चार तक भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया वह दो हज़ार नौ में भारत भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे अगला भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जन्म इनका हुआ तो तेईस दिसंबर 1909 मेरठ उत्तर प्रदेश में हाल ही में इक्यानवे भारतीय रत्न से सम्मानित किए गए वे 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत सरकार में संसदीय सचिव बने उन्होंने 1907 में भारतीय क्रांति दल का नाम में अपनी पार्टी बनाई और बाद में इसका नाम बदलकर लोक दल कर दिया उन्नीस में और फिर 1970 में यूपी के पाँचवें मुख्यमंत्री बने भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया उन्नीस में उन्नीस में भारत के पाँचवें प्रधानमंत्री बने वित्त और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया 20 अगस्त 1978 को उनकी मृत्यु हो गई और उसके लिए किसान घाट के नाम से एक स्मारक बनाया गया प्रसिद्ध कृतियाँ क्या, क्या क्या तो किसानों के लिए उनके योगदान के कारण तेईस दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया गया उनके प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम उन्नीस पेश किया गया कृषि विषय पर उन्होंने किताबें लिखी भारत की आर्थिक नीति गांधीवादी खाका और भारत की आर्थिक दुस्वरूप प्रभाव कारण और उपचार उनके महत्वपूर्ण प्रकाशन है जमींदारी उन्मूलन सहकारी खेती का एक्सरे भारत की गरीबी और उनके समाधान आदि फिर से देखते हैं भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के बारे में जन्म हुआ तेईस दिसंबर दो, दो को मेरठ उत्तर प्रदेश में हाल ही में इक्यानवे भारत रत्न से सम्मानित किए गए वे उन्नीस में पंडित गोविंद वल्लभ पंत सरकार से में संसदीय सचिव बने उन्होंने उन्नीस सौ यहाँ पर साथ दिया हुआ है सड़सठ होगा मैं भारतीय क्रांति दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई और बाद में इसका नाम बदलकर लोक दल कर दिया उन्नीस में और फिर उन्नीस में यूपी के पाँचवें मुख्यमंत्री बने भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया उन्नीस में भारत के पाँचवें प्रधानमंत्री बने वित्त और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया बीस अगस्त उन्नीस को उनकी मृत्यु हो गई और उसके लिए किसान उनके लिए किसान घाट के नाम से एक स्मारक बनाया गया प्रसिद्ध कृतियाँ क्या क्या तो किसानों के लिए उनके योगदान के कारण तेईस दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है उनके प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम उन्नीस सौ पेश किया गया कृषि विषय पर उन्होंने किताबें लिखीं भारत की आर्थिक नीति गांधीवादी खाका भारत की आर्थिक दुस्वरूप कारण और उपचार उनके महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं जमींदारी उन्मूलन सहकारी खेती का एक्सरे भारत की गरीबी और उसके समाधान आदि भारत रत्न पमुला पार्टी बैंकेट नरसिम्हा राव जन्म हुआ अट्ठाईस जून उन्नीस सौ इक्कीस तेलंगाना में हाल ही में बावनवे भारत रत्न सम्मानित किए गए उन्नीस में वे आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री बने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकार ने उन्हें गृह मंत्री का कार्यभार संभाला उन्होंने केंद्रीय विदेश मानव संसाधन विकास और रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया 21 जून उन्नीस को भारत के एक नौवे प्रधानमंत्री बने उनके कार्यकाल के दौरान बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तेईस दिसंबर दो को उनकी मृत्यु हो गई और उसके लिए ज्ञान भूमि के रूप में एक स्मारक बनाया गया प्रसिद्ध कृतियाँ क्या क्या हैं तो उन्होंने स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सत्यना सत्यनारायण के प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास वही पदा पदागलू का हिंदी अनुवाद सहस्त्र फन प्रकाशित किया उनका आत्मकथा द इनसाइडर उन्नीस सौ में प्रकाशित हुआ एलपीजी सुधार पेश किए उन्नीस सौ में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की उनके कार्यकाल के दौरान तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संविधान संशोधन पारित हुए फिर से देखते हैं भारत रत्न पमूला पार्टी वेंकट नरसिम्हा राव जन्म हुआ 28 जून उन्नीस सौ इक्कीस तेलंगाना में हाल ही में बावानवे भारत रत्न से सम्मानित किए गए उन्नीस सौ इकहत्तर में वे आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री बने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकार में उन्होंने गृह मंत्री का कार्यभार संभाला उन्होंने केंद्रीय विदेश मानव संसाधन विकास और रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया वे इक्कीस जून उन्नीस सौ इक्यानवे को भारत के नौवे प्रधानमंत्री बने उनका कार्यकाल के दौरान बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तेईस दिसंबर 1904 सौ चार सत्र दो को उनकी मृत्यु हो गई और उनके लिए ज्ञान भूमि के रूप में एक स्मारक बनाया गया प्रसिद्ध कृतियां क्या क्या हैं तो उन्होंने स्वर्ग स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सत्यनारायण के प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास वेई पदागलू का हिंदी अनुवाद सहस्त्र फन का प्रकाशन किया उनकी आत्मकथा द इन साइडर में प्रकाशित हुई एल सुधार पेश किए उन्नीस में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की उनके कार्यकाल के दौरान तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संविधान संशोधन पारित हुआ अगला भारत रत्न एम एस स्वामीनाथन स्वामीनाथनोत सुरो, इसका क्या है तो इंडियन एक्सप्रेस और आई सी सात अगस्त 1927 को जन्म और 28 सितंबर 2003 को निधन हाल ही में तिरपानवे भारत रत्न से सम्मानित किए गए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाता है संबंधित तथ्य के हाथ उन्नीस सौ से 1972 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थाप संस्थान के निर्देशक उन्नीस से उन्नीस भारत उनासी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक उन्नीस से उन्नीस कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव उन्नीस सौ बिरासी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आई 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 आर आर आई के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया दो हज़ार चार में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष और दो हजार सात से दो हजार तेरह राज्यसभा में सांसद सदस्य के रूप में कार्य किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधान किया है तो उन्नीस सौ इकहत्तर में रेबन वैक्सेस पुरस्कार मिला 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार उन्नीस में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता उन्नीस में यू एन ई पी सस्कावा पर्यावरण पुरस्कार उन्नीस में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक 2000 में फ्रैंकलिन डी रुजवेल फॉर फ्रीडम मेडल राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान क्या क्या हुआ तो उन्नीस में एस एस भटनागर पुरस्कार उन्नीस में पद्मश्री उन्नीस में पद्मभूषण उन्नीस में पद विभूषण और उन्नीस में शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार देखते हैं एम स्वामीनाथन के बारे में तो सात अगस्त 1925 को जन्म और 28 दिसंबर 2023 को निधन हाल ही में तिरपानवे भारत रत्न सम्मानित किए गए भारत ने में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है संबंधित तथ्य क्या है तो उन्नीस से उन्नीस तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निर्देशक उन्नीस सौ बहत्तर से उन्नीस सौ उनासी तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक उन्नीस सौ नवासी से उन्नीस सौ अस्सी कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव उन्नीस सौ बिरासी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आई आर आर आई के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया दो हज़ार चार में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष दो हज़ार सात से दो हज़ार तेरह राज्यसभा के सांसद सदस्य के रूप में कार्य किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान क्या क्या हुए तो उन्नीस सौ इकहत्तर में रेमन मैक्सेस पुरस्कार उन्नीस सौ छियासी में अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार उन्नीस सौ सतासी में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता उन्नीस सौ चौरानवे में यू एन ई पी सस्कावा पर्यावरण पुरस्कार उन्नीस सौ निन्यानवे में, में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक और दो हज़ार में फ्रैंकलिन डी रूजवेल फॉर फ्रीडम मेडल राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान क्या क्या हुआ तो उन्नीस सौ इकसठ में एस एस भटनागर पुरस्कार उन्नीस में पद्मश्री उन्नीस में पद्म भूषण उन्नीस में पद्म विभूषण उन्नीस में, में शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार अगला है सोलह वित्त आयोग सोर्स इसका है पीआईबी भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से अनुच्छेद दो सौ क्लॉज एक के तहत सोलह वित्त आयोग का गठन किया अध्यक्ष क्या है तो डॉक्टर अरविंद पनघड़िया नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष सचिव इसका है तो ऋत्विक रंजनम पांडे सदस्य हैं अजय नारायण झा सौम्या क्रांति घोष एन इन, एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा कार्यक्षेत्र क्या है तो वित्त आयोग के मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकार के वित्त स्थिति का मूल्यांकन करना दूसरा है इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण को निर्धारित करने वाले सिद्धांत का निरा निर्धारण करना और तीसरा भारत के सिंचित निधि में राज्यों को सहायता अनुदान के नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की स्थापना करना। नोट में क्या है तो पहला है आयोग आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण का वर्तमान व्यवस्था की भी समीक्षा करेगा और उस पर उचित सिफारिशें करेगा दूसरा है पंद्रह वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे और इसकी अवधि 2000 से 2020 से 21 से पच्चीस छब्बीस तक थी सोलह वित्त आयोग पाँच साल की अवधि दो हज़ार छब्बीस सताइस से दो हज़ार तीस इकतीस तक के लिए गठित किया गया है इसकी अवधि एक अप्रैल दो हज़ार छब्बीस से शुरू होगी और इसके अपनी, इसने अप, इसे अपनी रिपोर्ट इकतीस अक्टूबर दो हजार पच्चीस तक सौंपी नहीं है सोलह वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव का दो पद और आर्थिक सलाहकार का एक पद भी सृजित किया गया है फिर से देखते हैं तो सोलह वित्त आयोग भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से अनुच्छेद दो के तहत सोलह वित्त आयोग का गठन किया अध्यक्ष इसका है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष सचिव इसका है ऋत्विक रंज, रंजनम पांडे सदस्य हैं अजय नारायण झा सौम्या क्रांति घोष एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा कार्य क्षेत्र तो का वित्त आयोग के मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकार के वित्त स्थिति का मूल्यांकन करना दूसरा इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण को निर्धारित करने वाले सिद्धांत का निर्माण कर निर्धारण करना तीसरा भारत की निचित निधि में से राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करना करने वाले सिद्धांतों की स्थापना करना नोट में किया जाएगा तो पहला है आयोग आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण की वर्तमान व्यवस्था की भी समीक्षा करेगा और उच्च और उस उचित सिफारिशें करेगा दूसरा पंद्रह वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंहा थे और इसकी अवधि दो हज़ार बीस इक्कीस से दो हज़ार पच्चीस छब्बीस तक थी सोलह वित्त आयोग पाँच साल की अवधि दो हज़ार छब्बीस सताईस से दो हजार तीस इक्कीस तक के लिए गठित किया गया इसकी अवधि एक अप्रैल दो हज़ार छब्बीस में शुरू होगी और इसे अपनी रिपोर्ट इकतीस अक्टूबर दो हज़ार पच्चीस को सौंपनी है सोलह वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव दो पद और आर्थिक सलाहकार के लिए एक पद सृजित किया गया है विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा सोर्सिस का पी आई वी और द हिंदू बिहार के झंझारपुर से सांसद रामप्रीत मंडल सदस्य संसद ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग हाल ही में उठाया लेकिन दो हज़ार बजट में केंद्र सरकार ने वित्त आयोग के हवाला देते हुए भारत भविष्य में बिहार आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया है विशेष राज्य श्रेणी को उन्नीस में पाँचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर पेश किया गया था यह राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है विशेष राज्य के लिए मानदंड क्या है तो पहाड़ी और कठिन इलाका कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप राजनीतिक स्थल आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन राज्य के वित्त की गैर व्यवहारिक प्रकृति नोट में क्या हो जाएगा तो उपयुक्त मानदंड गार्डगिल फार्मूला पर आधारित है विशेष राज्य के लाभ क्या क्या हैं तो केंद्र प्रायोजित योजना की में आवश्यक धनराशि का नब्बे परसेंट केंद्र वहन करता है खर्च ना किया गया पैसा लैप्स नहीं होता और अगले वित्तीय वर्ष में चला जाता है राज्य को अन्य महत्वपूर्ण रियायतें भी प्रदान की जाती है जैसे कॉरपोरेट टैक्स कस्टम ड्यूटी आदि में रियायत केंद्र के सकल बजट का लगभग तीस परसेंट भी इसके पास जाता है वर्तमान एस राज्य कौन कौन से तो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय असम उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना नोट में क्या हो जाएगा तो चौदह वित्त आयोग की सिफारिश के बाद विशेष राज्य की अस्तित्व समाप्त हो गया चौदह वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण के माध्यम से ऐसे राज्यों के संसाधन अंतर को तीस परसेंट से बढ़ाकर बयालीस परसेंट करने का सुझाव दिया फिर से देखते हैं विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा तो बिहार के झंझरपुर से सांसद रामप्रीत मंडल सांसद ने बिहार के विशेष राज्य का दर्जा की मांग हाल ही में उठाया लेकिन दो हज़ार बजट में केंद्र सरकार ने वित्त आयोग के हवाला देते हुए भविष्य में बिहार आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया विशेष राज्य श्रेणी को उन्नीस सौ उनहत्तर में पाँचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर पेश किया गया था यह राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है विशेष राज्य के लिए मानदंड क्या है तो पहाड़ी और कठिन इलाका कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप रणनीतिक स्थल आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन राज्य के वित्त की गैर व्यवहारिक प्रकृति नोट में कहा उपयुक्त मानदंड गार्डगिल फार्मूला पर आधारित है विशेष राज्य का लाभ क्या, क्या क्या है तो केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का नब्बे परसेंट केंद्र वहन करता है दूसरा क्या है तो खर्च या खर्च न किए गए पैसा लैप्स नहीं होता और अगले वित्त वर्ष में चला जाता है तीसरा राज्यों को अन्य महत्वपूर्ण रियायतें भी प्रदान की जाती है जैसे कॉर्पोरेट टैक्स कस्टम ड्यूटी आदि में रियायत चौथा केंद्र के सकल बजट का लगभग तीस परसेंट भी उसके पास जाता है वर्तमान एस सी एस राज्य हैं तो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय असम सिक्किम उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना नोट में क्या है तो चौदह वित्त आयोग की सिफारिश के बाद विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया और क्या है तो चौदह वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण के माध्यम से ऐसे राज्यों के समाधान अंतर संसाधन अंतर को तीस परसेंट से बढ़ाकर बयालीस परसेंट करने का सुझाव दिया अगला न्यूज़ है भारत में अपराध रिपोर्ट स्रोत इसका है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिसंबर दो में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा वर्ष दो के लिए भारत में अपराध पर रिपोर्ट जारी की रिपोर्ट के मुख्य बातें क्या हैं तो प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर दो में चार पैंतालीस दशमलव नौ से घटकर दो हज़ार बाईस में चार सौ बाईस दशमलव दो हो गई दो हजार बाईस के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध चार दशमलव चार पाँच लाख मामले दर्ज किए गए दो हज़ार बाईस में प्रति लाख महिला जनसंख्या पर अपराध छः सौ सॉरी छियासठ दशमलव चार थी दिल्ली देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में शामिल शीर्ष पर है जबकि उत्तर प्रदेश महिला के खिलाफ अपराध की संख्या में सबसे आगे है एस सी एस के खिलाफ अपराध के मामले में तीन प्रमुख राज्य राजस्थान मध्य प्रदेश और तेलंगाना कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में उभरा उसके बाद पुणे और हैदराबाद रहे महाराष्ट्र में सबसे अधिक आत्महत्याएं हुई इसके बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का स्थान रहा नोट में क्या है तो एन की स्थापना उन्नीस में हुई और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है एन ने चार रिपोर्ट प्रकाशित की पहला है भारत में अपराध दूसरा भारत में आकस्मिक मौत और आत्महत्याएं तीसरा है जेल सांख्यिकी और चौथा है गुमशुदा महिलाओं और बच्चों की रिपोर्ट फिर से देखते हैं भारत में अपराध रिपोर्ट 2022 दिसंबर दो में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एन द्वारा वर्ष दो के लिए भारत में अपराध की रिपोर्ट जारी की गई है रिपोर्ट के मुख्य बातें क्या तो प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दो हजार इक्कीस में चार सौ पैंतालीस दशमलव नौ से घटकर गया दो हज़ार में चार सौ बाईस दशमलव दो हो गई है दो हज़ार के दौरान महिला के खिलाफ अपराध के लिए चार दशमलव चार पांच लाख मामले दर्ज किए गए दो हजार बाईस में प्रति लाख महिला जनसंख्या पर अपराध दर छिया दशमलव चार थी दिल्ली देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में शीर्ष दर में शीर्ष पर है जबकि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में सबसे आगे है एस सी के खिलाफ अपराध के मामले में तीन मुख्य राज्य राजस्थान मध्य प्रदेश और तेलंगाना कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में उभरा उसके बाद पुणे और हैदराबाद रहे महाराष्ट्र में सबसे अधिक आत्महत्याएं हुई इसके बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का स्थान रहा नोट में क्या है तो एन की स्थापना उन्नीस में हुई और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है एन ने चार रिपोर्ट पेश की पहला है भारत में अपराध दूसरा है भारत में आकस्क मौत और आत्महत्याएं तीसरा है जेल सांख्यिकी और चौदह है गुमशुदा महिलाओं और बच्चों की रिपोर्ट अगला न्यूज़ है कोप ट्वेंटी एट सोर्स है कोप ट्वेंटी एट डिक्लेशन तो यू एन एफ सी 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 की पार्टियों के सम्मेलन का अट्ठाईस सत्र तीस दिसंबर से बारह दिसंबर दो हज़ार तीस नवंबर से बारह दिसंबर दो हज़ार तेईस तक दुबई संयुक्त राज्य अरब अमीरात में आयोजित किया गया कोप अट्ठाईस के नतीजे चार स्तंभों पर आधारित स्तंभों के अंतर्गत शामिल है पहला है पहला स्तंभ है एक उचित व्यवस्थित और न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन को तर्ज से ट्रैक करना तेजी से ट्रैक करना दोहत्तीस तक दुनिया की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को तीन गुना कम से कम ग्यारह हज़ार गहत्तीस तक हर साल ऊर्जा दक्षता में सुधार और वैश्विक औसत वार्षिक दर दो परसेंट से दोगुनी होकर चार परसेंट से अधिक हो जाएगी तेल और गैस डिकारोनाइजेशन चार्टर के बानवे हतासर कक्षा दो तक शुद्ध शून्य संचालन के लिए प्रतिबद्ध है फ्रांस के नेतृत्व में कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया जो कोयले से स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण की सुविधा प्रदान करेगा दूसरा स्तंभ है जलवायु वित्त को ठीक करना हानि एवं क्षति लॉस एंड डैमेज निधि का संचालन ग्लोबल कूलिंग छियासठ राष्ट्रीय हस्ताक्षरता दो हज़ार पचास तक शीत शीतलन संबंधी उत्सर्जन में अड़सठ परसेंट की कमी के लिए प्रतिबद्ध है हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं है तीसरा स्तंभ है लोगों जीवन और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना सतत कृषि लचीली खाद्य प्रणाली और जलवायु कार्यवाही पर संयुक्त अरब अमीरात घोषित घोषणा का शुभारंभ जलवायु कार्यवाही के लिए संगठबंधन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप सी एच ए एम पी लॉन्च किया गया चौथा स्तंभ है हर चीज़ को पूर्ण समावेशिता के साथ रेखांकित करना या जलवायु चैंपियन की नियुक्ति युवा जलवायु चैंपियन की नियुक्ति सी ओ पी अट्ठाईस एजेंडा रिस्पॉन्सिव रिस, जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप लॉन्च किया गया जलवायु कार्रवाई पहल के लिए खेलों पर रणनीति की प्रस्तुति नोट में क्या है तो कोप अट्ठाईस जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने में मदद करने के लिए कमजोर देश के लिए नुकसान और क्षति कोष को मंजूरी दी गई इस कोष में यू ए ई ने 100 मिलियन डॉलर यूरोपीय संघ ने दो मिलियन डॉलर यूएसए ने 17.5 मिलियन डॉलर और जापान जापानी दस मिलियन डॉलर योगदान देने का वादा किया है तथा इसका प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा कोप अट्ठाईस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कोप थर्टी थ्री शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में करने का प्रस्ताव दिया पीएम नरेंद्र मोदी ने, ने दुबई में कोप अट्ठाइस वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में स्वीडन के पीएम उल्फा क्रिस्टरसन मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जेस्टिंगो न्यूसी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ ग्रीन ग्रेड प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया फिर से देखते कोप अट्ठाइस के बारे में तो यूनिसेफ ने पार्टियों के सम्मेलन का अट्ठाईसवा संस्करण 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया कोप अट्ठाइस के नतीजे चार स्तंभों पर आस स्तंभों के अंतर्गत शामिल है पहला है एक उचित व्यवस्थित और न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन को तेजी से ट्रैक करना दोहत्तीस तक दुनिया की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को तीन गुना कम से कम ग्यारह हजार गिगावाट तक करना दोहत्तीस तक हर हर साल ऊर्जा दस्ता में सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर दो परसेंट से दोगुनी करके चार परसेंट से अधिक हो जाएगी तेल और गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर को बाईस हस्ताक्षरकर्ता करता दो हज़ार पचास तक शुद्ध शून्य सं संचालन के लिए प्रतिबद्ध है फ्रांस के नेतृत्व में कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया जो कोयले से स्वच्छ ऊर्जा के संक्रमण की सुविधा प्रदान करेगा दूसरा स्तंभ जलवायु वित्त को ठीक करना हानि एवं क्षति लॉस एंड डैमेज निधि का संचालन ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा छियासठ राष्ट्र हस्ताक्षरकर्ता दो हज़ार पचास तक शीतलन संबंधी उत्सर्जन को अड़सठ परसेंट की कमी के लिए प्रतिबद्ध है हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं है तीसरा स्तंभ है लोगों जीवन और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना सतत कृषि लचीली खाद्य प्रणाली और जलवायु कार्रवाई पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा का शुभारंभ जलवायु कार्रवाई के लिए गठबंधन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप सी एच एम पी लॉन्च किया गया चौथा स्तंभ है हर चीज़ की पूर्ण समावेशिता के साथ रेखांकित करना युवा जलवायु चैंपियन की नियुक्ति सी ओ पी अट्ठाईस एजेंडा रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप लॉन्च की गई जलवायु कार्रवाई पहल के लिए खेलों पर रणनीति की प्रस्तुति नोट में क्या है तो को जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने में मदद करने के लिए कमजोर देश के लिए नुकसान एवं क्षति कोष को मंजूरी दी गई है इस कोष में यूएई ने सौ मिलियन डॉलर यूरोपीय संघ ने दो मिलियन डॉलर यूएसए ने सत्रह दशमलव पाँच मिलियन डॉलर और जापान दस मिलियन डॉलर योगदान देने का वादा किया है तथा इसका प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा कोप अट्ठाइस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कोप थर्टी शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में करने का प्रस्ताव दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में कोप अट्ठाइस वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में स्वीडन के पी उल्फा उल्फ क्रिस्टीसन मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जैसेंटोनूसी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिसल के साथ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया अगला न्यूज़ है पीएम जनमन योजना जिसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे इस वीडियो लेक्चर को भी स्वागत करते हैं उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हम सपोर्ट करें क्योंकि आपके सपोर्ट से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों को तो जो इस बार का समंठित बी पी एस फ्री देने वाले हैं ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और अभी इस वीडियो से पूरी पूरी लाभान्वित हो सके और एग्जाम में अपने आप को और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मौजूद कर सकें तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए पढ़ते रहिए जय हिंद जय भारत